गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा नॉलेज चैनल। आज हम जीके के और पांच क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे आपको बेनिफिट हो। अगर आप कोई भी जीके के पेपर अटेंड कर रहे हो तो आप आसानी से अटेंड कर सकें। इसलिए हम जीके के नो क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा हम सेंड कर सकें, आप तक पहुंचा सकें, इसलिए हम यह वीडियो बनाते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए, आज हम कुछ पांच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप अगर दिन में पांच क्वेश्चन भी तैयार करते हैं तो आप साल में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, जिसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पुत्र किसे कहा जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्र पुत्र किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा लक्षद्वीप। किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा मसूर को। किसे कहा जाता है? मसूर को। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा कोलकाता को। किसे? कोलकाता को। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत का दिल किसे कहा जाता है? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत का दिल किसे कहा जाता है? हमारा आंसर होगा दिल्ली को। किसे कहा जाता है? दिल्ली को। तो आज की यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको अगर मेरी आगे की वीडियो की जानकारी चाहिए या नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूजा नॉलेज चैनल। एंड मेरी यह वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।